हे फ्रेंड्स, दिस इज मनीषा यादव। वेलकम टू पीटीएस कैट एक्सपर्ट। आज हम लोग करने वाले हैं रेविट में कर्टेन बोल्ट्स। जैसे कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पे रेविट आर्किटेक्चर के अंदर वॉल्स के अंदर जब हम जाते हैं तो यहाँ पे हमारी थ्री टाइप्स की वॉल्स होती है। फर्स्ट वन इज बेसिक वॉल्स, जिसमें हम प्रीवियस वीडियोज के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। एंड देन नेक्स्ट वन इज कर्टेन वॉल। तो कर्टेन वॉल के अंदर क्या होता है कि आपकी यहाँ पे ग्लास की वॉल्स जो है, अगर आपको ग्लास की वॉल्स के साथ में वर्क करना है तो आप यूज करेंगे कर्टेन वॉल्स लाइक दीज। की अगर जैसे कोई मॉल की, कोई मॉल बिल्डिंग है, मॉल की अगर कोई बिल्डिंग है तो उसके जो फ्रंट होता है वो बेसिकली अगर देखा जाए तो वो आपके ग्लास वॉल्स से बना हुआ होता है। कभी कभार क्या होता है कि काफ़ी सारे स्कूल बिल्डिंग्स के अंदर भी जो फ्रंट व्यू होता है वो हमारा उसकी थ्रू ही बना होता है, कर्टेन वॉल्स के थ्रू। तो वो किस तरीके से आपका रेडी होता है, किस तरीके से हम लोग काम करते हैं उनके अंदर, किस तरीके से हमारी वो कर्टेन वॉल्स के साथ में हम लोग काम करेंगे, तो वो सब कुछ हम लोग करने वाले हैं। जैसा कि मैंने इस व्यू के अंदर दिखाया हुआ है कि यहाँ पे जो कर्टेन वॉल्स हैं वो कर्टेन वॉल की हेल्प से मैंने एक छोटा सा बिल्डिंग स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। कर्टेन वॉल्स जो हैं वो अप्लाई होंगी तो वो हम लोग देखने वाले हैं, और किस तरीके से ये जो कर्टेन वॉल्स हैं ये हमारे डिवाइड होती है वो भी हम देखने वाले हैं, कैसे इसका मटेरियल चेंज होता है, इसके ग्लास का मटेरियल चेंज होता है, तो वो सब कुछ हम लोग आज इसमें करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यू प्रोजेक्ट ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पे जब हम वॉल पिक करते हैं तो यहाँ पे हमारा आता है वॉल आर्किटेक्चर। वॉल आर्किटेक्चर के अंदर ही हमारी होती है कर्टेन वॉल्स, जो कि आप यहाँ पे थ्री टाइप्स की होती है। तो देखिए तीनों टाइप्स के अंदर डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंस आता है। कर्टेन वॉल जब हम पिक करते हैं एंड देन हम जब उसको बनाते हैं लाइक दिस, मैंने उसकी कोई भी शेप बनाई, वेदर इट इज रेक्टेंगुलर और कोई भी शेप, तो जब मैं यहाँ पे पिक करती हूँ तो यहाँ पे देखिए उसकी ट्रांसपेरेंसी है, ठीक है। तो वो क्या होती है, वो सिंगल एक पीस में बनती है, उसमें बीच में कोई पार्टीशंस नहीं होते। तो अगर आपको सिंगल प्लेन के अंदर अगर आपको कर्टेन वॉल बनानी है कि सिंगल ग्लास से ही हो, बनी हुई हो, तो वो आपकी होती है कर्टेन वॉल्स की कैसे बनेगी। अगर रही बात इनकी हाइट वगैरह आपको एडजस्ट करने की कि कैसे इनकी हाइट वो होती है, तो आप यहाँ से करा सकते हैं लेवल्स तक, कि जैसे यहाँ पे हमारे एलिवेशन के अंदर जो लेवल्स हैं वो टू लेवल्स लगे हुए हैं। फर्स्टली मैं इसको एक बार इसका यूनिट जो है वो चेंज कर लेती हूँ फिट एंड फ्रैक्शनल इंचेस में। तो देखिए हम इसको कर देते हैं 10 फीट। तो यहाँ पे जो मेरे लेवल्स लगे हुए हैं वो दो ही लगे हुए हैं, मैं एक टू या थ्री लेवल्स और यहाँ पे लगा देती हूँ। This one, like this. तो ये कुछ मैंने लेवल्स बना दिए यहाँ पे। तो ये अगर आपको प्रॉपर लेवल टू लेवल पिक करवानी है तो देखिए आप चाहते हैं कि ये लेवल टू तक ही बने तो ये लेवल टू तक ही बनेगी, अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कि ये लेवल फाइव तक बने तो ये लेवल फाइव तक ही बनेगी, अगर आप चाहते हैं कि हाइट वाइज इसके साथ में डील करना कि भाई आप चाहते हैं कि ये सिर्फ 3.5 फिट की ही बने, तो अगर आप हाइट डालना चाहते हो तो ये हाइट वाइज भी आप करवा सकते हैं, इसके साथ वर्क कर सकते हैं। तो ये सब कुछ आता है आपका, अगर आप लेवल टू लेवल वर्क करेंगे तो वो कैसे होगा और अगर हाइट वाइज करेंगे तो किस तरीके से होगा। अब अगर इसकी बात आती है कि मुझे इसके साथ में इसका कलर बदलना है, जैसे मैं इसको सेलेक्ट जाती हूँ, अगर बेसिक वॉल में जाते थे उसका मटेरियल एडिट टाइप में ही प्रेजेंट होता था, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उसका मटेरियल अनफिनिशिंग यहाँ पे है नहीं, देखिए यहाँ पे बंद है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं। तो अगर आप इसका मटेरियल बदलना चाहते हैं तो इसके ऊपर आप अपना कर्सर लेके जाइए, टैब प्रेस कीजिए। जैसे ही टैब प्रेस करेंगे यहाँ पे आपका ग्लेज सिस्टम, सिस्टम पैनल ग्लेज ये जो है ये सेलेक्ट होगा, एडिट में जाएंगे तो यहाँ पे आता आपका मटेरियल, यहाँ पे मटेरियल पे क्लिक कीजिए। और अब अगर आपको, जैसे मैं यहाँ पे दूसरा एक ग्लास मटेरियल यहाँ पे बनाना चाहती हूँ, तो मैंने यहाँ पे एक और ग्लास मटेरियल अगर यहाँ पे अप्लाई करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे कर चुकी, मुझे लाइक इस कलर का करना है, थोड़ा यहाँ पे मैंने पिक कर लिया है
जो मटेरियल के बारे में फर्दर जो ये किस तरीके से वर्क करता है, कैसे इनकी प्रॉपर्टीज चेंज होती है, वो हम आने वाली वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये वाला मटेरियल यहाँ पे अप्लाई किया है, अप्लाई एंड ओके। तो देख आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो ग्लास का मटेरियल है वो चेंज हो गया है, उसकी जो ट्रांसपेरेंट उसका जो कलर है वो चेंज हो गया। अब देखिए आप काफी जगह पे देखते हैं कि कहीं पे रेड ग्लासेस होते हैं, कहीं पे ग्रीन ग्लासेस होते हैं, कहीं पे, तो उन ग्लासेस का कलर कैसे चेंज होगा वो सब कुछ यहाँ पे डील करते हैं। वो मटेरियल के साथ में चेंजमेंट होता है, तो मटेरियल के साथ में और भी काफी जगह पे आप लोगों ने देखा होगा कि ग्लास के अंदर टेक्स्चर भी होता है, तो मटेरियल के अंदर चेंजमेंट होता है। तो जब मटेरियल का टॉपिक आएगा जब उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोग कर्टेन वर्क्स के साथ पे डील कर रहे हैं, तो समझ आ गया कि ये किस तरीके से होता है। अब एक और चीज आती है यहाँ पे कि मैं जब वॉल ले रही हूँ, यहाँ पे कर्टेन वॉल ले रही हूँ, और यहाँ पे अगर मेरे को आर्क शेप की बनानी है, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने बनाई और उसकी मान लो कि मैंने इतनी कुछ कुछ रेडियस के ऊपर बनाई, पर मैं देख पा रही हूँ कि जो वॉल बनी है स्ट्रेट है, बट इसका पाथ तो हमारा राउंड दिखा रहा है यहाँ पे। तो अगर आपको इसको प्रॉपर, ये क्यों है ऐसी, ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पे मुझे इसको ग्रिड्स में, देखिए आपने ग्लास कभी भी देखा होगा तो सिंगल ग्लास आपका राउंड शेप में नहीं होता, वो टुकड़ों में आपका बटा हुआ होता है। तो क्या करना होता है, इसको सेलेक्ट करके इसके अंदर ग्रिड्स मुझे डालनी पड़ती है, ग्रिड्स मतलब इसको कट करना पड़ता है डिफरेंट फेसेस में। तो यहाँ पे अगर आप, मैं नंबर्स के हिसाब से अगर डिवाइड करना चाहूँ इसे, तो नंबर्स के हिसाब से कर सकते हो। तो आप देख पा रहे हैं इसमें पांच ही नंबर डाले थे मैंने, पांच के हिसाब से इसने डिवाइड कर लिया खुद को। अगर आप फर्दर इसके अंदर और नंबर्स डालना चाहते हैं तो नंबर्स यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं, लाइक मैंने इसको 20 कर दिया अप्लाई। तो दे आप देख पा रहे हैं ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से राउंड हो गई आपकी। तो ऐसे करके आप यहाँ पे इसके अंदर वर्टिकल ग्रिड्स डालेंगे तो ही इसकी प्रॉपर शेप आपकी आ पाती है। देन इसके अंदर अगर आपको जैसे यहाँ पे, अब ये ग्रिड्स क्यों आई, इनके अंदर क्यों कट हो गया, ये क्यों पैनल्स के अंदर डिवाइड हुआ, जस्ट बिकॉज कि मैंने इसका डुप्लीकेट नहीं किया। अब एक वॉल के अंदर गया तो दूसरे वॉल में अपने आप अप्लाई हो गया लाइक दिस। अगर मैं इसका डुप्लीकेट करती, सेलेक्ट इट एंड डुप्लीकेट इट, देन अब यहाँ पे आके आप वर्टिकल ग्रिड्स को ऑन कीजिए। अगर आप डिस्टेंस वाइज करना चाहते हो डिस्टेंस वाइज भी कर सकते हैं, अगर स्पेसिंग के हिसाब से करना चाहते हैं एक से दूसरे के बीच में जो मिनिमम मैक्सिमम स्पेसिंग हो वो करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं, ऐसे ही हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं। देन मैंने इसको ओके किया, सी नाउ आई जस्ट हैव टू ऐड दिस लाइक दिस। तो आप देख पा रहे हैं इसी में ग्रिड्स आपके कट हुई हैं, बाकी सब में नहीं हुई है। तो इस तरीके से आपकी ग्रिड्स यहाँ पे कट हो जाती है। फिर उसके बाद में यहाँ पे होता है नेक्स्ट जो आपका आता है, यहाँ पे अगर मुझे इसकी खुद की ग्रिड्स कट करनी हो तो यहाँ पे आपका कर्टेन ग्रिड आता है, आर्किटेक्चर टैब में ही कर्टेन ग्रिड होती है, इसमें आपका कर्टेन ग्रिड्स कट होती है। ये लाइक मुझे यहाँ से कट करना है, मुझे यहाँ से इस ग्लास को कट करना है, या फिर हॉरिजॉन्टली मुझे यहाँ से करना है, या फिर मैं इस पूरे को कट नहीं करना चाहती, मैं सिर्फ सिंगल सेगमेंट को करना चाहती हूँ, तो सिंगल सेगमेंट भी कट हो सकता है। इस तरीके से आप यहाँ से कट कर सकते हैं। तो ये क्या होगा कि इसके अंदर जैसे, अब अगर मुझे इसके अंदर दरवाजा लगाना होता, अब कर्टेन वॉल के अंदर तो ग्लास का ही वॉल सॉरी डोर लगेगा, तो इस डोर के अगर मुझे इसके अंदर डोर लगाना होता, इस पूरे ग्लास में थोड़ी ना लगाती, मुझे इसके कुछ पार्ट भी तो लगाना होता, इसीलिए मुझे इसको कट करने की जरूरत होती है। अब अगर मुझे इसके अंदर डोर लगाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट के अंदर चलिए, लोड फैमिली करवाइए, आप अपनी लाइब्रेरी में जाइए, लाइब्रेरी में एक्सेस करेंगे तो वहां पर डोर करके आपका होगा, यहाँ पे आता है कर्टेन वॉल डबल, मैं डबल पैनल का डोर ले रही हूँ, डबल ग्लास का, यहाँ पे आ चुका है मेरी वो इस फाइल के अंदर। टैब के साथ मैंने प्रेस करना है, तो जब ये आपका ये वाला जो ग्लेज है वो सेलेक्ट हो जाए, देन यू हैव टू क्लिक इट हेयर एंड यहाँ पे क्लिक करिए, और यहाँ पे आपका डोर आ गया होगा, इस पे क्लिक कर दीजिए। जस्ट क्लिक करते के साथ आपका डोर यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा कुछ इस तरीके से। जितना बड़ा आप इसके अंदर इस पैनल को डिवाइड करोगे उतना ही बड़ा आपका डोर लगेगा उसके साइज के हिसाब से। तो इसीलिए डोर के को सॉरी वॉल्स को कुछ इस हिसाब से कट करिए उस एरिया को जहां पे आपको डोर लगाना है, जितने साइज का आपको डोर अप्लाई करना है उतने ही साइज के आप ग्रिड कट कीजिए। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं प्रॉपर ग्रिड बाय ग्रिड। बाकी फिर इसके बाद रहा कि इसके अंदर फ्रेम्स भी लगते हैं, आप ग्लास को कट करके तो नहीं ना छोड़ सकते, यहाँ पे आपके मुलियंस आते हैं जिन्हें आप फ्रेम्स के नाम से जैसे जानते हैं। जैसे मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि रेक्टेंगुलर शेप का मुलियन लगे जस्ट लाइक दिस,
तो अब जैसे जैसे ग्रिड को पिक करेंगे तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर शेप का मेरा बुलियन अप्लाई हो जाता है, जस्ट लाइक दिस फ्रेम अप्लाई हो जाता है, ये आपका फ्रेम अप्लाई हो गया। ऐसे करके आप हर जगह पे हर शेप का बुलियन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं सिमिलर। ओके, तो ये था आपका यहाँ पे कि कैसे आपके यहाँ पे डोर सप्लाई होते हैं, इसका कलर कैसे चेंज होता है एंड मूलियंस कैसे होते हैं, ग्रिड्स के थ्रू हम इसको कट कैसे कर सकते हैं। मैं इसके अंदर एक और चीज़ बता देती हूँ आपको कर्टेन वॉल के अंदर। हमारे पास अगर कोई एक ऐसी वो देखिए, आप लोगों ने काफ़ी बारी देखा होगा कि मेरे पास कोई ब्रिक की वॉल है, ब्रिक की या अदर मटेरियल की सॉलिड वॉल है, इसके अंदर आपने काफ़ी सारे जैसे कैफेटेरिया में देखा होगा या फिर काफ़ी जगह पे होता है कि मुझे एक फिक्स्ड विंडो भी मिलती है। तो अगर आपको इसके बीच में सिर्फ ग्लास चाहिए और यहाँ से फिर से आपकी वॉल स्टार्ट हो जाए, यहाँ से फिर से आपकी वॉल ऊपर नीचे पे आपकी वॉल, बीच में आपकी फिक्स्ड ग्लास है, तो वो किस तरीके से आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं वो यहाँ पर क्लिक करेंगे। हम चलते हैं कर्टेन वॉल के अंदर। कर्टेन वॉल में एडिट टाइप में जब आप आते हैं तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली एम्बेड का ऑप्शन ऑन होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है, उसके ऊपर आप एक्सेस करवाइए, उसको टिक कीजिए, अप्लाई कीजिए, ओके कीजिए। जब यहाँ पे आप उसको जैसे जितनी भी लंबी आपको जहां से भी अपनी वॉल चाहिए तो वहां पे जैसे ही वॉल लगाएंगे तो यहाँ पे आपका देखिए आप देख पा रहे हैं ये प्रॉपर तरीके से आपका ये दोनों सेम एक ही वॉल है एंड ये वॉल भी आपकी अप्लाई हो चुकी है। अब अगर मैं इसको फ्रंट से यहाँ से अप एंड डाउन करती हूँ ड्रैग करके तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से आपका अप्लाई हो जाता है, एक तरीके का फिक्स्ड पोर्शन। अगर इसको भी आप ग्रिड्स में डिवाइड करना चाहते हैं तो इसको भी आप ग्रिड में डिवाइड कर सकते हैं जस्ट लाइक दिस एंड यहाँ पे भी आपका मूलियन यहाँ पे अप्लाई हो जाता है। जैसे मुझे जो भी मूलियन अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, जस्ट क्लिक इट हेयर और ये यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो ये था आपको प्रॉपर तरीके से वर्क करना कर्टेन वॉल्स के साथ में। फिर उसके बाद हम लोग कर रहे थे यहाँ पे एक्सटीरियर ग्लेजिंग। एक्सटीरियर ग्लेजिंग इसमें क्या होता है, ये होती तो कर्टेन वॉल ही है बट इसमें ये होता है कि पहले से इसके अंदर ग्रिड्स जो है वो कटी हुई होती है, पहले से प्रेजेंट होती है। ये आपको प्लेन मिलेगी कर्टेन वॉल, सिंपल कर्टेन वॉल, इसमें आपको ग्रिड्स जो है वो कट मिलेगी ऑटोमेटिकली। तो आप इस तरीके से इसके अंदर जो है इसमें इक्वल पार्ट्स के अंदर जैसे कट होती है इसको अनपिन करके, और अगर मैं इसको चाहती हूँ 7 फीट करना तो इसमें 7 फीट भी आप कर सकते हो, बट ये सारी की सारी जो आपकी ये है ये पिन होती है आपस में इक्वल होती है, तो इनको आप अनपिन करके ही वर्क कर सकते हैं, तब ही ये पॉसिबल है इनको छोटा बड़ा किया जा सके। ओके, तो इसमें ग्रिड्स आपकी कट होके मिलेगी। देन उसके बाद जो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट उसके अंदर होता है आपका स्टोर फ्रंट। स्टोर फ्रंट इसके अंदर क्या होता है, आपका पहले वाले में तो ग्रिड्स कट होके मिल रही थी, इसमें बुलियंस भी साथ लग के मिल रहे हैं आपको, सिंपल इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड होके मूलियंस भी साथ होके मिल रहे हैं। तो अगर आपको सिंपल अपने हिसाब से कस्टमाइज करनी है वॉल कर्टेन वॉल तो आप सिंपल कर्टेन वॉल लीजिए। अगर आपको पहले से प्री डिफाइंड ग्रिड के साथ में या प्री डिफाइंड मूलियंस के साथ में चाहिए तो आप यहाँ से अपनी ग्लेजिंग या फिर स्टोर फ्रंट एक्टिवेट करवाइए। तो इस तरीके से हम लोग डील कर रहे थे कर्टेन वॉल्स के साथ में। अगर आपको उसी तरीके से जैसे अब हम कुछ एक इसके अंदर वर्क करके देख लेते कि कैसे ये वर्क काम करती है, ये इस टाइप की बिल्डिंग अगर साथ में बनानी हो तो जो जैसे कि मैं दिखा चुकी हूँ इसके अंदर कि मुझे जो है इस तरीके का जो प्रोजेक्ट है अगर वो बनाना हो तो वो कैसे बनेगा तो वो देख लेते हैं हम लोग अभी। चलिए स्टार्ट करते हैं।
तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये रेविट के थ्रू हमारा जो प्रोजेक्ट है वो इस तरीके से हम कर्टन वॉल्स के थ्रू बना सकते हैं। अगर आपको इसके अंदर कोई क्वेरीज हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, और अगर आपको हमारा वीडियोस अच्छा लगते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलती हूँ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।